दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं टेकनिक चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक ये होने वाला है कि जो बिगनर यूट्यूबर्स होते हैं वो कैसे अपने वीडियो को अच्छी तरह से ये अपलोड करके अपने चैनल पे सब्सक्राइबर व्यूवर्स ला सकते हैं और वो इन चार गलतियों से बच के उन्हें सुधार के अपने ये चैनल को ग्रो कर सकते हैं और वो भी सिर्फ कुछ ही दिनों में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और टेकनिक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे करें, ताकि हम जब भी अपना वीडियो अपलोड करें तो हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि आपके चैनल पे सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स क्यों नहीं आते हैं। क्योंकि आपका जो वीडियो है वो वायरल नहीं होता है। अगर आपका वीडियो वायरल हुआ होता तो आपके चैनल पर व्यूवर्स आते, और व्यूवर्स आते तो सब्सक्राइबर्स भी आते। अगर आप उस वीडियो को किसी दूसरे अकाउंट से यूट्यूब पर भी खोजेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि इसका एक कारण है कि आपने उस वीडियो को अच्छे से एडिट नहीं किया था, आपकी ऑडियो क्वालिटी खराब थी, आपकी वीडियो क्वालिटी खराब थी, इसलिए वह वीडियो वायरल नहीं हुआ, उस पे व्यूवर्स नहीं आए और उस पे सब्सक्राइबर्स नहीं आए। तो शुरू करते हैं सबसे पहले नंबर से। यार भरोसा भरोसा क्या होता है? आई मीन विश्वास, ट्रस्ट, फेथ, यही बोलोगे ना? बट ये तो सब वर्ड्स है, भरोसा तो फीलिंग है यार। आपको इस वीडियो में बताया गया है भरोसा मतलब विश्वास, ट्रस्ट, जो एक अंदर की फीलिंग होती है। अगर आप में वो भरोसा है कि आप ये कर सकते हैं तो आप ये जरूर कर सकते हैं। अब कितने बिगनर यूट्यूबर्स के पास भरोसा नहीं होता, जिससे कि वो अपने वीडियो को अच्छे से बना नहीं पाते। मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल में समझाता हूँ। समझ लीजिए, आप 2 महीने से यूट्यूब पे हैं। आपने सबसे पहला वीडियो 9 नवंबर 2019 को अपलोड किया और वो वीडियो बहुत अच्छा था। उस पर व्यूवर्स आए, समझ लीजिए उस पर 1000 व्यूवर्स आए। और आपने वही दूसरा वीडियो दूसरे महीने 9 दिसंबर 2019 को अपलोड किया, लेकिन आपने सिर्फ वैसा ही वीडियो अपलोड किया, आपने उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं की, जिससे कि आपके ये चैनल पे और भी ज़्यादा व्यूवर्स नहीं आ सके। आपने वही एक पुराने वाले वीडियो को जैसा यही वीडियो बनाया यही भी इसी वीडियो को बनाया इसी उसी की तरह आपने ऑडियो क्वालिटी को यूज किया, वीडियो क्वालिटी को यूज किया और वीडियो एडिटिंग भी वैसे ही की, इसलिए आपके चैनल पे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स नहीं आते और आपका चैनल ग्रो नहीं होता। अगर आपके अंदर विश्वास है कि नहीं, हम ये कर सकते हैं, हम एक प्रोफेशनल यूट्यूबर बन सकते हैं, हम इस वीडियो को और भी अच्छी तरह से एडिट कर सकते हैं, तो आपको ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये रही भरोसे की बात। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 2 से। नंबर 2 पे आता है ऑडियो क्वालिटी। आपकी वीडियो क्वालिटी चाहे जैसी भी हो, लेकिन अगर आपका ऑडियो अच्छी रहेगी तो आप एक प्रोफेशनल यूट्यूबर की तरह अपने वीडियो को बना सकते हैं। अगर आपकी आवाज़ अच्छी रहेगी, जिससे कि आप किसी को समझा रहे हो, अपने भैया को बता रहे हो, अपने छोटे भाई को बता रहे हो, ऐसे आप अगर आवाज़ का प्रयोग करेंगे तो आपका चैनल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ऑडियो क्वालिटी के इम्प्रूव करने के लिए आपको सबसे पहले एक माइक लेना होगा, जिसका बजट ज़्यादा नहीं है, 150 से 200 है। लेकिन जिन यूट्यूबर्स का बजट इतना भी नहीं है, वो अपने फ़ोन के ईयरफोन से भी काम चला सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी तरह से अपने ऑडियो को कवर करता है और उसे एक अच्छी तरह से ऑडियो क्वालिटी आपको देता है। तो अब चलते हैं नंबर 3 के पास। नंबर 3 पे है वीडियो क्वालिटी।
आपको अपने वीडियो को धीरे धीरे करके अपने ये जो वीडियो है उसको इम्प्रूव करना होगा। तो आपके पास उतना भी बजट नहीं है कि आप एक कैमरा ले सकते हैं जिससे कि आप अपने वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो आजकल स्मार्टफोन्स के भी कैमरे में बहुत अच्छी तरह से आप अपने वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपने वीडियो क्वालिटी को बहुत ही अच्छी तरह से बना सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं किस फ़ोन से अपने वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैं एक रियलमी 3i का एक स्मार्टफोन है, उसी से मैं अपने वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर आपको उसका अनबॉक्सिंग देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से उसको जाके देख सकते हैं। तो चलते हैं नंबर 4 के पास। तो नंबर 4 है वीडियो एडिटिंग। वीडियो क्वालिटी के साथ आपकी वीडियो एडिटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं किस ऐप से अपने वीडियो को एडिट कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं 2 ऐप्स का प्रयोग कर रहा हूँ अपने वीडियो को एडिट करने के लिए। पहला है डायमंड काई मास्टर और दूसरा है पावर डायरेक्टर। आपको इस अगर आप डायमंड काई मास्टर या फिर पावर डायरेक्टर यूज करते हैं तो आपको पता ही होगा कि मैं इस वीडियो की कहीं कहीं ट्रांजिशन में पावर डायरेक्टर और डायमंड काई मास्टर का दोनों का प्रयोग कर रहा हूँ। अगर आप इन दोनों को कंबाइन करके चलाएंगे तो आपकी वीडियो एडिटिंग बहुत ही अच्छी होगी। अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये वीडियो इन्हीं 4 गलतियों पे था जो बिगनर यूट्यूबर्स अपने शुरुआती दिनों के यूट्यूब वीडियो में करते हैं। तो आप लोगों से प्रार्थना है कि आप ऐसे ना करें। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपका वीडियो वायरल नहीं होगा, जिससे कि आपका चैनल ग्रो नहीं होगा, और आप इसे सुधार कर एक अच्छा वीडियो बना सकते हैं इन 4 बातों का ख्याल रखते हुए। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। लाइक से ही हमारा मन बहुत शांत होता है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम जब भी अपना वीडियो अपलोड करें तो हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने यूट्यूब दोस्तों के साथ, ताकि वो इस वीडियो को देख के इन 4 गलतियों को सुधार सके और यूट्यूब पे वायरल हो सके, यूट्यूब पे एक प्रोफेशनल चैनल को खोल सके, एक अच्छे पैसे कमा सके। तो ये वीडियो इसी टॉपिक पर था। तो चलिए वीडियो को बंद करते हैं।